19 साल की उम्र में एक इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सौरभ गांगुली की पत्नी का नाम डोना गांगुली है। अपने पहले इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद सौरभ ने एक नए विवाद को जन्म दिया जब वह अपनी बचपन की दोस्त डोना के साथ घर छोड़कर भाग गए। सौरभ डोना के पड़ोसी थे और दिली दिल उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन सौरभ और डोना के परिवार वालों को उनका साथ पसंद नहीं था। सौरभ को डोना से प्यार तभी हो गया था जब वह स्कूल में थे। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन डोना की एक झलक पाने के लिए महाराज उनके स्कूल के अक्सर चक्कर लगाया करते थे। दरअसल सौरभ और डोना के परिवार में बिल्कुल नहीं बना करती थी। एक समय तक बिजनेस पार्टनर रहने वाले दोनों परिवार घाटा होने की वजह से दूर हो चुके थे, मगर डोना सौरभ के रिश्ते ने एक बार फिर इन परिवारों को साथ ला दिया। सौरभ ने घर से भागने से पहले बंगाल के बेहद सम्मानीय क्रिकेटर मलॉय मुखर्जी से बात की थी। उन्होंने जब उन्हें अपनी पूरी योजना बताई तो वह कुछ देर के लिए चौंक गए थे। मलॉय मुखर्जी सौरभ के करीबी मित्रों में से एक हैं। घर से भागने के बाद गांगुली ने डोना के साथ कोर्ट में शादी करने की योजना बनाई, लेकिन यह बात मीडिया के जरिए लीक हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने तत्काल में बनाई गई योजना को रद्द कर दिया। बाद में उन्होंने मीडिया से बचाव करते हुए कोर्ट मैरिज कर ली। जब इस बात का पता सौरभ के परिवार को चला तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वह किसी गैर ब्राह्मण लड़की के साथ अपने बेटे की शादी नहीं होने देंगे। मैरिज रजिस्ट्रार जिसने सौरभ को और डोना की शादी करवाई थी, उसने बताया कि शादी के बाद डोना बहुत खुश लग रही थी, लेकिन सौरभ अपने परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर डर रहे थे। बाद में दोनों के परिवार ने शादी को स्वीकार कर लिया। इसके कुछ दिन बाद फॉर्मल वेडिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और 21 फरवरी 1997 को दोनों ने बंगाली रीति रिवाज से शादी की। डोना के लिए सौरभ आज भी पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनके साथ उन्हें प्यार हो गया था। वह कहती हैं कि उन्हें एक व्यक्ति से प्यार हुआ था, ना कि किसी क्रिकेटर से। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज़ चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।